होने वाला है बाइंग गाइड ऑन लैपटॉप कूलिंग पैड्स। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं एक लैपटॉप कूलिंग पैड्स खरीदने से पहले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम आपके साथ टॉप 10 लैपटॉप कूलिंग पैड्स भी शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑफर्स, कूपन कोड, डिस्काउंट के लिए देसी डैम के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। करते तो वो ओवरवर्क की वजह से ओवरहीट हो जाता है जिससे लैपटॉप के इंटरनल पार्ट्स डैमेज होने की चांसेस रहते। तो ये कूलिंग पैड्स लैपटॉप का टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। तो अब देखते हैं आपको कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं एक लैपटॉप कूलिंग पैड खरीदने से पहले। तो सबसे पहला फैक्टर रहता है टाइप्स। तो लैपटॉप कूलिंग पैड्स में दो टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहला है लैपटॉप कूलिंग पैड्स विद फैन और सेकेंड है लैपटॉप कूलिंग पैड विदाउट फैन। तो कूलिंग पैड विद फैन में मल्टीपल फैंस इंक्लूड रहते हैं जो लैपटॉप को ओवरहीट होने से रोकते हैं। तो अगर आपको लैपटॉप पर मूवी देखनी है, गेम्स खेलने हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, तो इन शॉर्ट अगर आपको ज्यादा टाइम तक लैपटॉप यूज करना है तो ये कूलिंग पैड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सेकेंड है कूलिंग पैड विदाउट फैन। तो इस टाइप में कोई भी इनबिल्ट फैन नहीं रहता। तो ये पैड एल्यूमिनियम से बनाया जाता है जो हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। तो इसमें इनबिल्ट फैन ना होने के कारण ये कोई भी नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता, पर इनका परफॉर्मेंस कम रहता है कम्पेयर टू कूलिंग पैड्स विद फैन। तो सेकेंड फैक्टर है साइज। तो आपको आपके लैपटॉप के साइज के हिसाब से ही कूलिंग पैड लेना है। तो अगर आपने ज्यादा छोटा कूलिंग पैड ले लिया तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अप्रोप्रिएट साइज का ही कूलिंग पैड लेना है। तो नेक्स्ट फैक्टर है फैन पावर। तो फैन पावर CFM यानी क्यूबिक फिट पर मिनट में मेजर होता है। तो इसका मतलब ज्यादा CFM यानी ज्यादा पावरफुल फैन। तो नेक्स्ट है फैन स्पीड। तो आपको फैन स्पीड चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितनी ज्यादा फैन स्पीड रहेगी उतनी ज्यादा कूलिंग हो जाएगी। तो स्पीड डिटरमाइन करने के लिए आपको RPM यानी रोटेशन पर मिनट चेक करना है। तो जितना ज्यादा RPM रहेगा उतना फास्ट कूलिंग। तो नेक्स्ट फैक्टर है वर्सेटिलिटी। तो कूलिंग पैड खरीदने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि वो एडजस्टेबल है जिससे आप उसे कोई भी सरफेस पे इजीली और कंफर्टेबली यूज कर सके। तो नेक्स्ट फैक्टर है पोर्टेबिलिटी। तो ये फैक्टर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा लैपटॉप के साथ ट्रैवल करते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली लैपटॉप के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको थिनर और लाइटर कूलिंग पैड चूज करना चाहिए जो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए इजी रहेगा। सो दैट्स इट। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं एक लैपटॉप कूलिंग पैड्स खरीदने से पहले। तो अब देखते हैं टॉप 10 लैपटॉप कूलिंग पैड्स इन इंडिया। तो सबसे पहला है कॉस्मिक बाइट एस्टेरॉइड लैपटॉप कूलिंग पैड। तो सेकंड है टॉप मेट C7 12 टू 17 इंच गेमिंग लैपटॉप कूलर। तो नंबर 3 पे है टार्कन हेवी ड्यूटी LED गेमिंग कूलिंग पैड। फोर्थ है बेल्किन लैपटॉप कूलिंग पैड विद पेटेंटेड एयर फ्लो विंग। फिफ्थ है क्वांटम QHM 350 कूलिंग पैड फॉर नोटबुक्स। सिक्स्थ है लाइफस्टाइल यू हेवी ड्यूटी लैपटॉप कूलिंग पैड। तो सेवेंथ है जिंक टेक्नोलॉजी कूल स्लेट ड्यूअल फैन कूलिंग पैड। नंबर 8 है कूलर मास्टर CM स्टॉर्म SF17 गेमिंग लैपटॉप कूलिंग पैड। 9th है टारगस लैपटॉप चिल मैट और नंबर 10th है एलोरा टेक नोटबुक कूलिंग पैड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और देसी डैम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।